नमस्कार बच्चों, मैं हूं राहुल सर और आप देख रहे हैं CWH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आज जो CBSE का क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, तो तीनों सेट जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 है, तीनों सेट के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर हल किया है, बिल्कुल सॉल्व किया है, आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अगर अभी तक आपने CWH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। और मैथमेटिक्स के लिए मैं एक एप्लीकेशन लोड करने वाला हूं, उसमें आप लोगों को पीडीएफ क्वेश्चन मिलेगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स का। उसके पहले चलिए आज का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो मैंने क्या है कि मैंने जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो यहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और कौन से सेट में ये क्वेश्चन कहां पे हैं वो भी मैं इसमें लिख रहा हूं। तो ये सेट 1 मैं लेकर रखा हूं और सेट 2 में भी आप मिला लीजिए, यहीं पे मैंने टिक कर लिया है कि कौन से सेट में ये क्वेश्चन कहां है। तो द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस इन नॉर्मल आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई रिमेंस अनचेंज्ड। ये क्यों होता है? द पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है हमारे आई में, उसकी वजह से जब हम डिस्टेंस चेंज करते हैं तो हमारा फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग एकोमोडेट हो जाता है, तो उसका जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो रिमेंस अनचेंज्ड हो जाता है। सेट 2 में ये क्वेश्चन 6 नंबर में है और सेट 3 में यही क्वेश्चन 9 नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वैल्यूज ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है 10^-3 और माइक्रो का मतलब होता है 10^-6। यही क्वेश्चन सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 है और सेट 3 में यही क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल है उसको बना के रखा है। रो का वैल्यू, पहले रो का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि देखिए यहां पे मटेरियल सेम है तो रो का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बटा एल और फिर इसको इक्वेशन 1 मान लिया, फिर मटेरियल तो सेम ही है तो फिर रो का वैल्यू इस बार रेजिस्टेंस हो गया 0.5R, तो उसको मैंने ले लिया 0.5R को। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हैं, मैंने जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो पूछा है उसको मैंने X ले लिया है और उसके बाद 2.5 इसका जो लेंथ है वो मैंने ले लिया। जब हम इसको बचा करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रो रो कट जाता है तो यहाँ बच जाता है 1, RR भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा RR भी कैंसिल हो जाएगा, फिर A जो है जो ऊपर बच जाएगा, L भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर ओनली बच गया A क्योंकि R और R कैंसिल हो चुका है। नीचे क्या बचा? नीचे बचा 0.5, फिर X और फिर 2.5। तो हम 2.5 को 0.5 से काट देते हैं 5 बार का, ठीक है। अब आप देखिए कि ये 5 जो है जो बटा के बटा में है, यानी डबल बार ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 5A/X का वैल्यू हो जाएगा 1, तो X का वैल्यू हो जाएगा 5A के बराबर। तो ऑप्शन नंबर A जो हमारा है राइट आंसर है। सेट 2 में ये क्वेश्चन नंबर 5 में था और सेट 3 में ये क्वेश्चन नंबर 8 में था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि अननेसेसरी लाइट का स्विच ऑफ कर देते हैं फैन का और लीक टैप जो है जो लीक करते रहता है हम उसको भी बंद कर देते हैं, तो ये जो है जो कौन से, यहाँ पे R का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे R का मतलब हुआ रिड्यूस, क्योंकि जब हम स्विच अननेसेसरी लाइट्स और फैन को बंद कर देते हैं तो हम रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम्पशन को, टैप में लीकेज को बढ़ खत्म कर देते हैं, उसको कंप्लीट कर देते हैं, तो वहां से हम पानी के कंज्यूम्पशन को यानी कि पानी की बर्बादी को रोक देते हैं, तो रिड्यूस ऑप्शन नंबर D। सेट 2 में ये 9 में था। अगर आपका कोई डिफरेंट ऑप्शन आपको लगता है कि हो सकता है तो आप बॉक्स में आ सकते हैं। सेट 3 में ये क्वेश्चन 11 में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रेनी विलेज ऑफ गरवाल जो है जो किसके लिए फेमस है। तो इसमें दो ऑप्शंस मुझे लग रहा है, एक है एक्सटेंसिव बायोडाइवर्सिटी या एक है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और ये दोनों का है, तो इसका इसमें कौन सा ऑप्शन आपने लगाया है बिल्कुल आप इसमें आ सकते हैं। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन के मैंने सारे का आंसर किया तो आप बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के मत जाएं, इसका कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लें वीडियो के लास्ट में। अब देखिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट को जब हम गर्म कर दिए तो इससे एक ब्राउन सॉलिड और 2 गैसेज बनती है, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है? तो सबसे पहले तो ये डिकम्पोजिशन है, हीट करने के बाद डिकम्पोज हो रहा है और उसके बाद ये रेडॉक्स है, ठीक है। एक्सोथर्मिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक तब होता जब हीट ये प्रोड्यूस करता, लेकिन हम बाहर से इसको हीट दे रहे हैं तो एक्सोथर्मिक नहीं, ये रेडॉक्स है।
क्योंकि इसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हुआ है। तो सेट टू में ये 11 में था और सेट थ्री में ये 12 में था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इफ 10 ml ऑफ H2SO4, देखिए यहाँ पे जो बनेगा H2SO4 और MgOH का होल टू में जो बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर है वो ग्रीन कर देता है सल्फेट आयन। मैं जानता हूँ कि सल्फेट आयन जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर के जो कलर को है जो ग्रीन टर्न कर देता है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। सेट टू में ये 12 में था, 12 में, और सेट 3 में ये 13 में था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक्स जो है एक्स के बारे में बात कर रहा है, जिसका 12 दे रहा है एटॉमिक नंबर वो हो गया मैग्नीशियम, जिसका 17 दे रहा है वो हो गया क्लोरीन। तो यहां पे हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो MgCl2 फाइनली इसकी बात कर रहा था कि ये किस फॉर्म का बनेगा, तो ये बनेगा X/2 के फॉर्म का। सेट 3 में ये था 14 में और सेट 2 में ये था 10 में। चलिए अब नेक्स्ट, इसी में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो एन एलिमेंट एक्स इज फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड, इसका मोस्ट पोजीशन क्या होना चाहिए। तो आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 और पीरियड 3 का जो एलिमेंट आता है वो आता है सल्फर, ठीक है। तो सल्फर ऑक्साइड जो हमारा है वो, सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा है वो बिल्कुल एसिडिक एक सब्सटेंस है, एक एसिडिक गैस है, और इसी वजह से अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन भी होती है। तो यहाँ पे ग्रुप 16 और पीरियड 3 जो है जो राइट आंसर होना चाहिए। सेट 2 जो हमारा है वो है इसमें 10 नंबर में, सेट 2 में ये क्वेश्चन है, और सेट 3 में ये 14 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एसर्सन रीजन है, तो अलग अलग सेट का जो एसर्सन रीजन है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो इसका सेट मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए अभी तुरंत ही लेके आ रहा हूँ। तब तक अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि जल्द से जल्द ऐप जो है आज अपडेट कर दिया जाएगा इवनिंग में, और कल से आपको सेट मिलना शुरू हो जाएगा बिल्कुल फ्री का आंसर के साथ। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।